हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेक्सस एकेडमी। कैसे हो आप लोग? मेरे को लगता है ठीक ही होंगे सब कुछ। तो ये वीडियो हम लोग पहला रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको कुछ लेक्सस एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। लेक्सस एकेडमी हम लोगों ने शुरू की थी 2011 में, तब इसका नाम कुछ और होता था। और 2014 के अंदर 5 अप्रैल को हमने फॉर्मली लेक्सस एकेडमी लॉन्च करी। और लेक्सस एकेडमी जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जो कि केटर करता है CS के स्टूडेंट्स को। हम लोग CS फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों ग्रुप्स में हम लोग पढ़ाते हैं और लगभग अभी तक काफ़ी हज़ारों बच्चे हम लोग पढ़ा चुके हैं। 3 रैंक हमारी आ चुकी हैं CS फाउंडेशन में। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 2019 की जून में, इसमें भी हमारा ऑल इंडिया 15th रैंक आया आरती गोयल का। हमारे यहाँ पर जो टीचिंग मेथोलॉजी है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, वो बिल्कुल सिंपल जैसे कि क्लासरूम में आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। 40-50 स्टूडेंट्स का बैच होता है, उससे बड़ा बैच हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हमारा ये पर्सनली मानना है, जब तक आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। टीचर तो सारे ही अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक आप पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी टीचर से, आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पाओगे, जब तक आप टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, जब तक टीचर ये नहीं देख पाएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तब तक मेरे को लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों ने, मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी 50 बच्चों से बड़ा बैच नहीं पढ़ाया और मेरी पढ़ाने की इच्छा भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मल्टीपल बैचेस चलाते हैं, मल्टीपल बैचेस ही चलाएंगे 50-50 के, चाहे एक ही टीचर को दिन में 3 बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़े। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम छोटे बैचेस में पढ़ाएंगे, फोकस पढ़ाएंगे और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए इसकी कोशिश करेंगे। रिजल्ट लेके आना, बच्चे को CS बनाना, ये हमारा टारगेट है। हम इंटर्नशिप में जो भी हमारे से हेल्प हो पाती है जरूर करते हैं। जॉब मिलने में तो वैसे बच्चों को दिक्कत नहीं आती जो CS बन जाते हैं, फिर भी अगर ज़रूरत होती है तो हम पूरी की पूरी उनके साथ सपोर्ट करते हैं। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एकेडमी खोलने से पहले मैं इंडिया की लार्जेस्ट लॉ फर्म में जॉब करता था, वहाँ पे भी हमने अपने स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप कराई है। और अगर आप लोग साथ में LLB कर लेते हो CS के, तो फिर आप समझ लो बेटा कि आपकी, अगर मैं इंडिया की टॉप 10 लार्जेस्ट लॉ फर्म में जॉब लगाता हूँ उसकी CS एंड LLB, तो आप लोग लेके चलिए करीब 15-20 लाख रुपये का स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को मिल सकता है। तो जैसा मैंने किया था, मैं वही चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी वैसे ही करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करें और CS और LLB का कॉम्बिनेशन होकर फिर मैं उनकी इंटर्नशिप कराऊंगा अच्छी लॉ फर्म में और देन दे कैन गेट द जॉब। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं आप लोग प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच।